आपको यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या कि सॉल्ट की क्लासिफिकेशन तक, सॉल्ट की क्लासिफिकेशन तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो टेस्ट अपना तैयार कर लो, वहां तक मैं टेस्ट में दूंगा आपको। मॉड्यूल के डाउट है तो मॉड्यूल के डाउट सॉल्व कर लेंगे भाई, कल भी अपनी क्लास है, लास्ट के 3 दिन अपनी क्लास है अभी, ठीक है? तो आज थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कल मैं मॉड्यूल लेकर के आ जाऊंगा और डाउट उसके बाद क्लियर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है? क्लासिफिकेशन रिवाइज का जहां तक सीन है तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन जो सॉल्ट की है, लाइक न्यूट्रल और नॉर्मल सॉल्ट बन रहा है, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आप मिला रहे हैं तो वो न्यूट्रल हो रहा है, या फिर वीक एसिड या वीक बेस को मिला रहे हैं तो न्यूट्रल हो जा रहा है। और जो भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होगा, लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग वाला कंपोनेंट आपके सॉल्यूशन में रहेगा तो वो उसी नेचर का हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। एसिडिक का मतलब उसका पीएच जो है less than 7 होगा। एसिडिक सॉल्ट अगर पहचानना है तो उसमें कुछ ना कुछ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होगा, बट ध्यान रखें कि NaHCO3 में भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है ना, NaHCO3 में भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, बट ये बेसिक नेचर का है, ठीक है? एक इसको ध्यान रखें कि ये बेसिक है, ठीक है? ये एक बेस है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा इसको कहते हैं, तो ये एक बेस है, ठीक है? तो यहाँ इस तरीके से अपने को कुछ पढ़ना है। और सॉल्ट की क्लासिफिकेशन भी मैं खत्म कर चुका था, पीएच के फैमिलीज ऑफ सॉल्ट आप ध्यान रखना। और अगर एक सॉल्ट का एन, अगर एक एसिड का n फैक्टर 3 है तो उसमें 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। एक बार में एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, दूसरी बार में दूसरा, तीसरी बार में तीसरा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो इससे ज्यादा तो इसमें कुछ है नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपसे ये पूछ सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड आपको दे दिया, अमोनियम क्लोराइड में पूछा कि NH4Cl को अगर हम इसका एक्वा सॉल्यूशन AQ बनाते हैं तो इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल? ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम NH4Cl का एक एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक बेसिक या फिर न्यूट्रल? तो आपको क्या लगता है इसमें, ठीक है? एसिडिक नेचर हो जाएगा, बिकॉज इसमें सबसे पहले तो आपने पहचानना है कि ये क्लोराइड फैमिली का है। क्लोराइड फैमिली का है, एसिड HCl होगा और बेस कौन सा होगा, NH4 कहाँ से आया होगा, NH4OH से आया होगा। तो ये सिंपल है कि NH4OH इज अ वीक बेस, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आपकी जो सॉल्यूशन में रहेगा वो HCl ही रहेगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ही रहेगी, पीएच इसका less than 7 होने वाला है। अब वो कितना होगा वो नहीं पूछा जाएगा, बस रेंज आपसे पूछी जाएगी, नेचर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? तो इसके बाद है ना, अब वन बाय वन जो अपने सॉल्ट हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट तक आप रिवाइज कर ले। पीएच के भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत हाई फाई लेवल के कोई नहीं क्वेश्चन आते हैं, जितना मैंने आपको नोट्स में करवाया हुआ है वो भी बहुत अच्छे लेवल का, मतलब स्टेज 2 लेवल का है अब तो मार्क, ठीक है? तो उतने ही क्वेश्चंस, उतने ही टाइप आप प्रैक्टिस कर लें जितने आपको नोट्स में दिए हैं या फिर क्लासरूम में करवाए हैं, ठीक है? उससे ज्यादा नहीं आते हैं, बुकलेट के क्वेश्चन आप ट्राई करो, वो भी बन जाएंगे, ठीक है? उसमें 1-2 फॉर्मूले रहते हैं, लाइक मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला 1-2 क्लियर रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये एक फॉर्मूला बनता है, ये एक फॉर्मूला बनता है मोलैरिटी का। अगर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन देखना हो तो उसमें आता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इन टू एन फैक्टर। आप इस फॉर्मूले को लगा लो,
एन फैक्टर तो गिवन होगा ही, आपको पता ही होगा एन फैक्टर जो भी सब्सटेंस का वहां पे गिवन होगा, तो एन इज इक्वल टू एम इन टू एन फैक्टर, ये एक फॉर्मूला आपके लिए यूज हो जाएगा। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, इसके काफी सारे शॉर्टकट मैंने बताए हुए हैं, अलग अलग केस डिस्कस किए हुए हैं, उससे ज्यादा उससे कुछ नहीं आएगा, आराम से बन जाएगा ये। और पीएच प्लस पीओएच आपको बताया हुआ है कि ये कितना होता है, 14 होता है, ठीक है, तो ये भी बन जाएगा पीएच पीओएच 14, है ना। अगर पीएच सब्सटेंस का इंक्रीज होता जा रहा है तो उसका जो एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड एच पॉजिटिव ऑब्वियसली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किससे, ओएच नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन से, क्योंकि एच पॉजिटिव ओएच नेगेटिव का जो सम है वो 14 यहाँ पे आ रहा है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इन टू ओ एच नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन, और ये होता कितना है, 10^-14 होता है, ठीक है। इनमें से अगर आपको कोई से भी फॉर्मूले में दिया जाए तो आप इसमें यूज इसका कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी में बहुत ज्यादा बात हम नहीं करेंगे, देखेंगे कल की क्लास में कि अगर उसमें बुकलेट में कोई क्वेश्चंस हुए तो तब मैं आपको उसका फॉर्मूला बताऊंगा, है ना। फिलहाल अभी तो हम इतना ही करते हैं, क्योंकि बुकलेट के लेवल के बाहर कभी कुछ नहीं आता है, बुकलेट का लेवल सफिशियंट है ना। अगर उस लेवल पे आपको बहुत ज्यादा कोई टॉपिक नहीं पूछा हुआ है, मतलब वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो नहीं आ रहा है कहीं भी, ये क्लियर है। अब देखो वन बाय वन सॉल्ट को पढ़ते हैं, अब वन बाय वन (10^-8 एम एन ओ एच को भी सेम तरीके से निकाल सकते हैं, उसमें पी ओ एच आ जाएगा, उसमें आ जाएगा पी ओ एच, उसका पी ओ एच आ जाएगा 6.96 एंड 14-6.96 तो 7 point something, मतलब 7 से तो ऊपर ही आएगा एन ओ एच का पी एच, ठीक, सिंपल है, रिवर्स कर लो, है ना। अगर वहां पे पीएच 6.96 आया तो यहाँ पे पीओएच 6.96 आएगा, उसको 14 में से माइनस कर लो 7.04, तो वो आएगा ऊपर ही, 7 से ऊपर ही आएगा, भले ही वो जो है पॉइंट में आए, ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन गिवन होगा। तो अगली इसमें बात करते हैं सॉल्ट, हम वन बाय वन सॉल्ट पढ़ने का भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। फिलहाल एक सॉल्ट है NaCl, ठीक है, एक एक करके आप देखते रहें। NaCl इसको हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, या फिर इसको हम कहते हैं टेबल सॉल्ट, ठीक है। ये कैसे बनता है, दिस इज अ नॉर्मल सॉल्ट, है ना, नॉर्मल सॉल्ट की बात की जाए या फिर बात की जाए न्यूट्रल सॉल्ट की, क्योंकि इसका पीएच कितना होगा, 7 होगा। न्यूट्रल सॉल्ट पीएच इज इक्वल टू 7, ठीक। अगर इसके पेरेंट्स की बात की जाए, हाइड्रोलिसिस की बात की जाए, NaCl प्लस वाटर ये ब्रेक डाउन हो करके NaOH प्लस HCl बना रहा है। NaCl, NaOH प्लस HCl, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया जाता है तो उससे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिलीज होती है, ठीक। अच्छा, ये चीजें हैं यहाँ पर, NaOH बहुत ज्यादा नहीं है अपने पास, है ना, NaOH अपने पास बहुत ज्यादा नहीं है इसके बारे में, अब इसमें क्या करते हैं कि सी वाटर इज द मेजर सोर्स, इसका सोर्स कहाँ से है, कहाँ से इसको बनाया जाता है, तो अगर इसके सोर्स की बात की जाए भाई, इसका सोर्स आएगा सी वाटर, सी वाटर को हम क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, इवेपोरेशन उसका करते हैं, उससे अपने को NaCl मिलता है, सी वाटर सोर्स है, सी वाटर के इवेपोरेशन करने से। डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट
आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड आर नोन एज रॉक सॉल्ट। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि रॉक सॉल्ट क्या होता है, डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट, डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट। नोट्स में भी लगभग यही कहानी है, तो मैं इसी को स्क्रीन शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, इसी को लिख लेना है आपने डायरेक्ट, बाकी एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, इनफ है। बाकी क्वेश्चन में अगर, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो उसका तरीका ही अलग है, वो एक्स वाई जेड टाइप के बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब आपके जो छह सात सॉल्ट हम पढ़ेंगे वो छह सात सॉल्ट एक साथ पूछ लेता है वो, ठीक है, उसका पूछने का तरीका ही डिफरेंट है। तो वो तरीका आपको बताऊंगा, उसको कैसे याद रखना है, कैसे रिवाइज करना वो भी बताता हूँ। तो एनएससीएल में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, अगर हम बात करें कि इसका यूज क्या है भाई, तो यूज इसका सिंपल है कि ये एक मेजर रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल है बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल है ये, लाइक बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, एचसीएल, इन सबको ये बनाता है। तो ये बेकिंग बनाता है, फॉर्मूले लिख देता हूँ क्योंकि फॉर्मूले आपको याद भी हो जाएंगे। तो NaHCO3 बना देता है ये, और ये HCl बनाने काम में आता है, और ये Na2CO3 बनाने काम में आता है। इस तरीके से बहुत सारे रॉ मटेरियल बनाने की, रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। अच्छा, वन मोर थिंग कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, जिसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट करके, और वो नोट क्या है कि NaCl का अगर एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है, NaCl प्लस वाटर अगर बन रहा है भाई, इसको कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, इसको ध्यान रखना, ये मैं पूछूंगा, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन इसको कहते हैं। इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी फिलहाल, ठीक है। ये कॉमन सॉल्ट के बारे में है, ठीक है भाई। ये है आपका, ये है कॉमन सॉल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। NaCl कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, एक बार इसको डेली फूड में, हाँ ठीक है, रॉ मटेरियल है और एक मेजर इंग्रेडिएंट है डेली फूड का, तो सबको पता है, ठीक। तो इसको भाई देख लें एक बार, इसको 2 मिनट देख लें, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें क्या ही पूछेंगे। और टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें पूछा जाता है, क्योंकि ये इस बार के टेस्ट में तो नहीं है, बट अगली बार के टेस्ट में जब आएगा, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो कैसे आएगा, एक्स वाई जेड के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कॉमन सॉल्ट हमने लिखा, नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं, और टेबल सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है, pH 7 है, क्लोराइड फैमिली से बनता है, NaOH+HCl है, सी वाटर से इवेपोरेट करके बनता है, रॉक सॉल्ट होते हैं जो डिपॉजिट्स ऑफ सी होते हैं, डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट होता है, रॉ मटेरियल होता है NaHCO3, HCl, Na2CO3 बनाने के लिए, ब्राइन सॉल्यूशन किसको कहते हैं, NaCl प्लस वाटर, NaCl को अगर वाटर में डालोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए फैक्ट, क्योंकि उससे एक्स्ट्रा जो है आयनिक बॉन्डिंग हो जाती है, वाटर और NaCl के बीच में बॉन्डिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसके बॉन्ड को ब्रेक करें। तो करीबन 58 ग्राम NaCl को अगर हम डिजोल्व करें भाई, 58 ग्राम NaCl को अगर हम डिजोल्व करें 100 ग्राम वाटर में या 100 ml वाटर में, तो उसका 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो क्या ये क्लियर है, दूसरे नंबर के सॉल्ट पे जाऊं मैं, इतना क्लियर है, फटाफट लिख के बता दें, ठीक है। अगला देखो, NaOH, NaOH एक बेस है आपका, हो गया ना, तो बेस ये इंपॉर्टेंट बेस है, इसको भी हम यहाँ पढ़ते हैं, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। एक चीज मैं ऊपर लिख लूं,
इसका फॉर्मूला है, ये इसका केमिकल नेम है, ये इसका केमिकल नेम है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, फिर इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। ठीक, तो बात की जाए कॉमन नेम की, तो इसका कॉमन नेम अपने को पता ही है, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, NaOH को कहते हैं कॉस्टिक सोडा, KOH को कहते हैं कॉस्टिक पोटाश। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसका केमिकल नेम, फिर है कॉमन नेम, इधर है केमिकल फॉर्मूला। अब अगर इसमें बात की जाए, ठीक है, ये है इसका केमिकल नेम, ये है इसका कॉमन नेम, ये है NaOH, और बात की जाए तो एक स्ट्रॉन्ग बेस ये होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि इसका पीएच लगभग जो रहता है करीबन 14 के आसपास रहता है 1 मोल NaOH का। ठीक, अरे यार ये कौन है जो NH4Cl एसिडिक पे अटका हुआ है? NH4Cl बताया था ना कि HCl प्लस NH4OH, NH4OH एक वीक बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिडिक कैरेक्टर ही उसके फाइनल सॉल्यूशन में आएगा, क्योंकि जितना जो बेस था वो तो खत्म हो गया, वो तो लिमिटिंग रिएजेंट है, उसने जितने एसिड को न्यूट्रलाइज करना था न्यूट्रलाइज करके खत्म हो गया, अब जो सॉल्यूशन में रहेगा वो एसिडिक कैरेक्टर ही रहेगा, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से NH4Cl एसिडिक नेचर शो करेगा। NaOH बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, कॉस्टिक सोडा बनाया, स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच 14 है, 1 मोल NaOH का। ठीक है, ये तो पता होना ही होना चाहिए। अगली बात आती है इसकी प्रिपरेशन की, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए, तो ध्यान से इसमें देखना भाई, इसकी प्रिपरेशन जितनी रिएक्शन लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट ही है और एनसीईआरटी की ही है, सारी रिएक्शंस जितनी भी लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो ये ध्यान रखनी है सारी। अब बात की जाए इसकी प्रिपरेशन की, तो इसको बनाते हैं क्लोर, क्लोर एल्कली प्रोसेस, मतलब पता नहीं कितनी बार, हजारों बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, जब तक आप हैं तब तक आपको उसका नाम सुनने को मिलेगा, 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। प्रोसेस का इस तरह से नाम रखने का भी एक मतलब है, क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, एल्कली का मतलब अपने को पता ही है वाटर सोल्यूबल बेस, जो कि यहाँ पर NaOH है। हाँ, NaOH एक एल्कली भी है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहीं पर मैं लिख देता हूँ कि ये एल्कली भी है, एल्कली का मतलब एक वाटर सोल्यूबल बेस है, मेरे ख्याल से ये भी सबको क्लियर है ना। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है, NaCl को उठाया वाटर में डाल दिया, NaCl को उठाया किस में डाल दिया, वाटर में, H2O में, तो सबको पता ये कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, ब्राइन सॉल्यूशन बनेगा, ये बन गया अपना ब्राइन सॉल्यूशन, इसको ध्यान रखा जाए, ब्राइन सॉल्यूशन। अब क्या हम इसी को एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसे सॉल्ट, ऐसे सॉल्यूशन सॉल्ट के जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो वाटर एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, अगर उसमें NaCl डाल दिया तो मतलब वो आयनिक फॉर्म में टूट जाएंगे, Na पॉजिटिव घूमेगा, Cl नेगेटिव घूमेगा, आयंस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, आयंस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ज्यादा हाई हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट टर्म को याद रखना, ब्राइन सॉल्यूशन को याद रखना, ठीक है भाई। NaCl प्लस वाटर, इसमें क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी को हमने इसमें दिया, इलेक्ट्रिसिटी को दिया हमने, इसका यूज किया, उससे क्या होगा कि ये NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 में टूट जाएगा, Cl2 यानी क्लोरीन गैस, NaOH यानी कि एल्कली, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस, बिकॉज एक तो इसमें क्लोरीन गैस बनती है, एक NaOH बनता है और एक हाइड्रोजन गैस बनती है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस,
अब इसमें ये हो रहा होगा, वैसे तो इस रिएक्शन को डिटेल में वो नहीं पूछता है, बट इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है ना, ये पूरा एक एक शेल के अंदर होता है, एक एपरेटस के अंदर होता है, उस एपरेटस का नाम आपसे अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छे लेवल यानी कि जो अगर मैं टेस्ट बनाऊंगा तो उसमें जरूर आ जाएगा, कास्टनर कास्टनर कैलनर सेल, कास्टनर कैलनर सेल के अंदर ये रिएक्शन चलती है, कास्टनर कैलनर सेल के अंदर ये रिएक्शन चलती है, इस नाम को ध्यान रखें, कास्टनर कैलनर सेल। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, और उसके अंदर ये सॉल्यूशन भर लेते हैं, सर्किट से उसको कंप्लीट करते हैं, सर्किट उसका कंप्लीट करते हैं और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो क्या यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा पूरे सॉल्यूशन के अंदर। अब ये चीज पूछी जाती है कि इसमें से क्लोरीन और H2 इन दोनों गैसेस में से कौन कैथोड पर जाएगा, कौन एनोड पर जाएगा। ठीक है भाई, इन दोनों गैसेस में से कौन कैथोड पर जाएगा और कौन एनोड पर जाएगा। ठीक, तो अपने को ये ध्यान रखना है, यहां मैं लिख देता हूं कि जो कैथोड होता है भाई, जो कैथोड होता है उसके ऊपर आता है कैटायन। अब कैथोड के ऊपर कैटायन आ रहा है, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ऑब्वियसली कैथोड कैसा होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज्ड होना चाहिए। ठीक है, और एनोड पर क्या आ रहा है, एनोड पर आता है एनायन। सबको पता है कि एनायन का जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो एनोड होगा पॉजिटिव। इसको ध्यान रखें, इसमें कोई भी स्टूडेंट गलती ना करे कभी भी, ये आगे पूरा केमिस्ट्री में ये कंसेप्ट चलेगा, कैथोड एनोड का। अब यहां पर हुआ क्या कि ये जो NaCl प्लस वाटर हमने यहां पे लिया, इसमें ये Cl एक तो क्लोराइड आयन बनाएगा, एक हाइड्रोजन आयन बनाएगा, और यहां से अगर मैं पर्टिकुलरली डीपली इसको समझाऊं कि क्या हुआ, तो इसको एक बार देख लो इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, पहले तो ये रिएक्शन इतनी याद करनी ही करनी है, ये चीजें तो याद करनी है। अब एक और मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि इसमें हुआ क्या कि NaCl प्लस वाटर था, जब हमने इसको डाला तो ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में तो ब्रेक डाउन होगा, और वाटर किस में ब्रेक डाउन होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। ठीक है भाई, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। अब ये फिलहाल कुछ इस तरह के आयन घूम रहे होंगे सॉल्यूशन के अंदर। अब इसमें ये होता है कि जो क्लोराइड आयन होता है और जो हाइड्रोजन आयन होता है वो इलेक्ट्रोड की तरफ जाना स्टार्ट होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो क्लोराइड आयन है वो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, खुद नेगेटिवली चार्ज है तो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ वो चला जाएगा। ठीक है, अगर क्लोरीन है अपने पास और क्लोराइड आयन नेगेटिव है तो वो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, वो जाएगा एनोड की तरफ। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोड की तरफ वो जाएगा। ठीक है, तो एनोड पर वो आया, एनोड पर कौन सी रिएक्शन हुई, एनोड पर कौन सी रिएक्शन हुई, एनोड पर सीएल नेगेटिव आने के बाद, ऑब्वियसली एनोड पॉजिटिव है, सीएल नेगेटिव नेगेटिव है, उस पर आया क्लोराइड आयन, और यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और ये सीएल में चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होता है, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप मुझे ये बताइए कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। अगर हम एनोड की बात कर रहे हैं, उस पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भूल ही चुके होंगे इसको, है ना, आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी होगी। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम बच्चे रिडक्शन लिखते, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो नोट्स के अंदर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, तभी तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 हो गई है, ऑक्सीडेशन बढ़ गई है ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है।
एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इसको ध्यान रखा जाए कि एनोड पर सीएल आया, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ। अब ये जो सीएल है ना, वो सीएल प्लस सीएल इस तरीके से मिल करके अपने को क्या दे देते हैं, सीएल प्लस सीएल अपने को मिल करके सीएल टू दे देते हैं, और ये क्लोरीन गैस हो जाती है। क्लोरीन गैस कहाँ पर जाती है, तो एनोड पर जाती है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो कि जो क्लोरीन गैस जाएगी एनोड पर जाएगी। अगर इतना याद नहीं होता है तो सिंपल रखो कि क्लोरीन का मतलब क्लोराइड आयन नेगेटिव है, नेगेटिव किस पे जाएगा, पॉजिटिव पे, एनोड पे जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन आया कैथोड के ऊपर, कैथोड में कौन आया, एच पॉजिटिव आया। अब एच पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एच में चेंज हो गया, अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिडक्शन। और अब एच और एच इस तरीके से बहुत सारे एच बने जो आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने एच टू गैस को बनाया। तो एच टू गैस आपकी कहां पर मिलेगी, कैथोड पर, जिसपे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आया आपका रिडक्शन। तो भाई इससे ज्यादा इसमें कोई पूछा नहीं जाएगा। अब आप कहोगे कि जो NaOH है, ये तो अपने को ये पता लग गया कि H2 गैस बन चुकी है, ठीक है, कैथोड के ऊपर Cl2 गैस बन चुकी है एनोड के ऊपर, तो NaOH कैसे बना। अब ये जो यहाँ पर जो Na था, ये जो Na था यहाँ पे, ये Na और ये OH, ये अमलगम मरकरी की प्रेजेंस में आपस में कंबाइन करते हैं, ये एल्कली बनाते हैं NaOH प्लस सीएल टू प्लस एच टू, दोनों इलेक्ट्रोड पे सीएल टू और एच टू गैस मिल जाती है। क्या ये इससे ज्यादा डिटेल में तो आपके पास वैसे ही नहीं है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस, अगर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा, तो ऐसा कुछ पूछा जा सकता है कि कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस जा रही है, उसका क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी इसमें, ठीक है। इतना क्लियर है, तो ये है अपने पास, ये है अपने पास NaOH। अब NaOH को अगर देखा जाए तो NaOH क्या होता है, NaOH की अगर मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊं तो, क्योंकि तो अच्छे लेवल में NaOH बहुत डिटेल में पूछा जाता है, तो प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या हो जाएंगी। NaOH को अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाइट कलर के पैलेट्स में होता है, ये वर्ड आपको मिल जाएगा बहुत बार, वाइट कलर पैलेट होते हैं। पैलेट का मतलब जो छोटी छोटी गोलियां होती है, जैसे मेडिसिन होती है ना बहुत छोटी छोटी, उसी तरीके से ये व्हाइट कलर के पैलेट्स होती हैं, व्हाइट कलर की कुछ छोटी छोटी गोलियां होती हैं इस तरीके से। लेबोरेटरी में आपको NaOH ऐसे देखने को मिलेगा, पैलेट्स होते हैं, व्हाइट कलर के पैलेट्स होते हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको पूरी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ अच्छे से, तो कुछ व्हाइट कलर के पैलेट्स ये होते हैं, ऑर्डरलेस होता है, कोई इसमें स्मेल नहीं होती, तो ऑर्डरलेस होगा, और व्हाइट कलर के कुछ पैलेट्स होंगे, ठीक है। मॉइस्चर को ये, जब भी इसको वाटर में अगर रखा जाए तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको भी बता देता हूं अभी। फिलहाल ये मेल्ट होता है, मेल्ट,
मेल्टिंग इसका पॉइंट है 318 डिग्री सेल्सियस, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और ठीक है, हाईली सॉल्यूबल इन वाटर है, हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्यूबल है। ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जहां पर क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप देखते रहें ध्यान से। ठीक है, ये क्या करता है कि व्हेन कैप्ड इन ओपन, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब इसको आपने एटमॉस्फेयर में रख दिया, मैंने लेबोरेटरी में उसको यूज किया, यूज करने के बाद मैंने खुले में रख दिया, तो व्हेन कैप्ड इन ओपन इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब इतनी जल्दी करेगा कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो व्हेन कैप्ड इन ओपन इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, इट एब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड चेंजेस इंटू लिक्विड, चेंजेस इंटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में ये चेंज हो जाएगा। तो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करने के बाद ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं डेलीक्वेसेंट, डेलीक्वेसेंट कहते हैं इनको। ठीक है, इसको हम डेलीक्वेसेंट कहते हैं, और डेलीक्वेसेंट का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर में ओपन एनवायरनमेंट में रखा जाए वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है सॉलिड से, तो उसको डेलीक्वेसेंट, उसको डेलीक्वेंसी कहते हैं, या उस सब्सटेंस को डेलीक्वेसेंट सब्सटेंस कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, मेल्टिंग पॉइंट इसका 318 डिग्री सेल्सियस, ऑर्डरलेस है, व्हाइट कलर के पैलेट है। ये जो पैलेट होते हैं ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, इसको ध्यान रखना। इससे ज्यादा तो NaOH में आपको कुछ नहीं मिलेगा, यूजेस हैं इसके, तो यूजेस भी अपने को पूछ सकते हैं। तो यूजेस इसमें ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी में इसमें देखो ध्यान से, तो एनसीईआरटी में कौन कौन से इसमें यूज लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में इस तरह का कुछ डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैथोड के ऊपर कौन सी गैस जा रही है, H2 गैस जा रही है, एनोड के ऊपर Cl2 गैस जा रही है, और सबके अलग अलग यूज लिखे हुए, सबके अलग अलग यूज कैसे, यूजेस भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि H2 का जो यूज है, हाइड्रोजन गैस का जो यूज है वो क्या क्या है, एक तो H2 गैस फ्यूल की तरह यूज करते हैं, H2 गैस को फ्यूल की तरह यूज करते हैं रॉकेट फ्यूल में, क्योंकि इसका जो कंबशन होता है बहुत, उससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो इसकी इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू, किसी भी फ्यूल की आपको पता है कैलोरीफिक वैल्यू चेक की जाती है, जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो उतना ज्यादा थ्रस्ट या उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। दूसरा इसमें लिखा हुआ है मार्गेरिन, मार्गेरिन क्या होता है, जब ये सोप सिंथेसिस करते हैं, जब हम साबुन बनाते हैं इंडस्ट्री में सोप बनाते हैं, तो उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है मार्गेरिन, वो भी इससे बनता है। और एक है अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, ये अमोनिया बनाने के काम में आता है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो इस चीज के लिए ये यूज किया जाता है। अब ये अपने को पता है यार, ये अमोनिया जो बनाने की बात कर रहा है, अमोनिया सिंथेसिस फॉर फर्टिलाइजर, ये कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा होगा, N2 plus H2 gives 2NH3, जो अमोनिया यहां पे दे रहा था। ठीक है, 1:3 में इस तरीके से, और ये आयरन एज अ कैटलिस्ट, MO एज अ कैटलिस्ट एक्टिवेटर मॉलिब्लेडनम,
500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 300 एटीएम का प्रेशर इसमें दिया जा रहा है, और इस तरीके से एक रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें आती है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। ठीक, तो ये हैबर प्रोसेस अमोनिया सिंथेसिस की, तो ऑब्वियसली वहां पर वन ऑफ द कॉम्पोनेंट H2 है, तो ये H2 के यूज हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर Cl2 के यूजेस की अगर हम बात करें, तो Cl2 का यूज आता है एक तो वाटर ट्रीटमेंट में, वाटर को क्लीन करने में, पॉन्ड्स वगैरह में आपने देखा होगा कि वाटर ट्रीटमेंट में अक्सर Cl2 को यूज किया जाता है, स्विमिंग पूल्स में CO2 को यूज किया जाता है। ठीक है, स्विमिंग पूल्स में इसको यूज किया जाता है, और पीवीसी पीवीसी बनाने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि तारों के बाहर, जो वायर्स के बाहर एक कोटिंग लगी होती है, जो प्लास्टिक की एक लेयर उनके ऊपर होती है, उसको पीवीसी कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनाने के लिए भी Cl2 गैस को यूज करते हैं, मेडिसिन में Cl2 गैस को यूज किया जाता है। तो ये कुछ मेजर यूजेस हैं Cl2 के। इसी तरह से अगर मैं NaOH के यूजेस की बात करूं, तो ये जो मेन अपना कंपोनेंट बन रहा है, इसके क्या क्या यूज होंगे। ये सबसे पहले डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स में यूज होता है। डीग्रीसिंग का मतलब ग्रीस को निकालने के लिए, मेटल्स में से डीग्रीसिंग करने के लिए इसको यूज किया जाता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है, सोप्स बनाने के लिए, सोप फॉर्मेशन में NaOH को यूज करते हैं, डिटर्जेंट बनाने में, सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं, पेपर मेकिंग NaOH का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, जैसे कि रेयॉन होता है एक आर्टिफिशियल फाइबर, रेयॉन बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। ये NaOH के कुछ इंपॉर्टेंट यूज है। तो ये हमने दो सॉल्ट पढ़े, NaOH एंड NaCl। तो ये भाई देख लें कि इसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज के बाद H2 का यूज है, Cl2 का है, NaOH का है। इसके बाहर आपको कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा, मोस्टली क्वेश्चन आपकी यहीं से बन जाएंगे। बस यहाँ तो आप ऐसा लिख लो कि सोप फॉर्मेशन में यूज, मार्गेरिन क्या होता है, मार्गेरिन में वो क्या करते हैं कि जब सोप फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें एक बाई प्रोडक्ट बचता है मार्गेरिन, एक केमिकल, एक ऐसा सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट टाइप का एक सब्सटेंस होता है मार्गेरिन। तो ये मेन यूजेस हैं इसके। ठीक है, मेरे ख्याल से NaOH आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से। इससे ज्यादा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आप इसके क्वेश्चन फिर आसानी से बना पाओगे। ठीक है, इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, तरीका क्या है, तरीका क्या है इसको आप नोट कर लें कि अगर हम किसी भी सॉल्ट को पढ़ने जा रहे हैं, तो किसी भी सॉल्ट को पढ़ने के लिए अपने पास कुछ इस तरीके का कुछ मेथड हो सकता है कि हम क्या करें, इस तरीके की एक पेज के ऊपर इस तरह के एक टेबल हम बना लें। ठीक है, अगर हम ऐसे कुछ टेबल उसकी बना लेते हैं, इसमें बताता हूँ, ये सेट आप अपनी कॉपी में बना लो कि कैसे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे करके यहाँ पे समझा देता हूँ। ये ऐसी टेबल क्यों बनाई हुई है, क्योंकि अपने पास 5 से 6 सॉल्ट हैं, NaCl तो बहुत ज्यादा उसमें कुछ है नहीं, पर 5 से 6 अपने पास सॉल्ट हैं, और 5 से 6 सॉल्ट को
जो पूछे जाने का तरीका है एग्जाम में वो किस तरीके से है कि जो अच्छा क्वेश्चन बनता है एक्स वाई की फॉर्म में बनता है, कि एक्स की रिएक्शन वाई से हुई फिर जेड बना फिर उसमें कुछ और बना, तो इस तरीके से चार पांच कंपाउंड को मिला देता है। अब इसके लिए आपको पांचों कंपाउंड सेम टाइम पे याद होने चाहिए, रिवाइज होने चाहिए अच्छे से। अगर आप उसमें एक भी भूल गए तो आपका कनेक्शन वहां पे लॉस हो जाए। ठीक, तो अब अपने को क्या करना है, किस तरीके से हम उसको रिवाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको रिवाइज कर सकते हैं वो अपने को देखना है कि कैसे हम उसको रिवाइज करें। अब देखो इस टेबल को बनाने का मतलब क्या है कि कैसे उसको रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले कॉलम में आप लिख लें केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला आप सबसे पहले लिख लें केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है, ये हमने कुछ इस तरीके से टेबल बनाई तो हमने सबसे पहले लिख लिया केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला लिखा, इसमें आप पॉइंट डालिए वन, एक बड़ी सी टेबल बना दीजिए, कॉपी को इस तरीके से लैंडस्केप में रखिए, ठीक है, इस तरीके से पेपर को रखिए, ये है ना, इस तरीके से पेपर को रखो और इसमें टेबल बना लो। ठीक, काफी लंबी हो जाएगी क्योंकि, और लास्ट में बनेगी जब हम छह के छह सॉल्ट पढ़ लेंगे उसके लास्ट में ये टेबल बनेगी रिवाइज करने के लिए। ठीक, जब हम छह के छह सॉल्ट पढ़ लेंगे तो इस तरीके से सबसे पहले आपने केमिकल फॉर्मूला लिखना है। केमिकल फॉर्मूला जैसे कि NaCl, ठीक है, सबसे पहले NaCl से स्टार्ट किया तो केमिकल फॉर्मूला NaCl डाल दिया। दूसरा आपको उसका केमिकल नेम लिखना है, केमिकल नेम क्या आ जाएगा, केमिकल नेम आएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम उसका आ जाएगा टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट उसको कहा जाता है। फिर अगला आएगा प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यानी कि जो की पॉइंट लिखे जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप उसमें पूरा पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, आप की पॉइंट लिखें कि क्या उसकी प्रॉपर्टी होगी। और जैसे यहाँ पर आप इसका मेल्टिंग पॉइंट लिख सकते हैं कि कुछ इसका 900 डिग्री के 900 डिग्री सेल्सियस कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत हाई होता है तो मेल्ट नहीं हो पाता है आसानी से, वाटर सोल्यूबल होता है, इस तरीके से की पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाटर सोल्यूबल होता है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्योंकि अक्सर पूछी जाते हैं। लास्ट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूजेस, यूजेस में आप लिखिए रॉ मटेरियल, ठीक है, यूजेस में आप इसमें लिख सकते हैं कि भाई रॉ मटेरियल के साथ साथ ही क्या कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है अपनी डेली लाइफ में, फूड का इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इस तरीके से हमने ये टेबल बनाई, ये पहला हमने किया, ठीक है, पहला हमने इसमें किया। फिर सेकंड करने का क्या तरीका बनेगा कि आप NaOH लिखो, NaOH में आप लिखो कि भाई जो इसका केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। फिर आपने देखा कि यार इसका कॉमन नेम क्या है, कॉस्टिक सोडा इसका कॉमन नेम है। फिर आपने इसकी प्रॉपर्टीज चेक की तो 318 डिग्री सेल्सियस हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट MP, ठीक है, वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल है और इसको एल्कली कहा जाता है, ये एक एल्कली है, वाटर सोल्यूबल बेस है। और NaOH के जो पैलेट्स होते हैं वो डेलिक्वेसेंट नेचर के होते हैं, तो आपने लिखा डेलिक्वेसेंट, ठीक, आपने लिखा डेलिक्वेसेंट, आपने लिखा कि ये वाइट कलर के पैलेट होते हैं, तो वाइट पैलेट आप जरूर लिख लें, पैलेट वाइट पैलेट ये होते हैं। ठीक है, यूजेस में कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस इसके, लाइक ये पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर मेकिंग में NaOH को मेनली यूज करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में इसको यूज करते हैं, इसको डीग्रीसिंग में यूज करते हैं, ऐसे की पॉइंट, ताकि जब आपके पास टाइम कम हो तो आप आधे घंटे में पूरा रिवाइज कर पाए।
ठीक है, इस तरीके से तीसरा सॉल्ट इसमें चलेगा, फिर आगे ऐसे धीरे धीरे सॉल्ट इसमें चलते रहेंगे। अच्छा एक चीज, हाँ इसमें एक और रह गया, कोई बात नहीं उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे। तो इसको हम यहाँ पर अगर एक और लेके चलें तो इसमें आ जाएगा इसका कॉमन नेम, और कॉमन नेम इसका आया जैसे टेबल सॉल्ट, और इसका आया कॉस्टिक सोडा, और यहाँ पर एक कॉलम बीच में प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन में सिर्फ कौन सी रिएक्शन, उसका क्या नाम है वो लिखना है। जैसे ये तो इवेपोरेशन हो रहा है सी वाटर से, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, ये तो इतना ही आएगा। NaOH में आप लिखो क्लोर एल्कली प्रोसेस, ताकि आपको याद रहे क्लोर एल्कली प्रोसेस। चाहे तो आप छोटा यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि NaCl प्लस वाटर, ये अपने को NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 दे रहा है, तो ऐसा आप इसमें इंक्लूड कर भी सकते हैं। तो ये अपने पास इस तरीके से बन जाएगा। तो क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई कि ये तरीका हर साल बच्चे लगाते हैं? ठीक है, जो नहीं लगाता वो बाद में फिर उसको दिक्कत आती है, क्योंकि जितने भी टेस्ट होंगे, अभी तो आपके बहुत सारे टेस्ट होने हैं, हर एक टेस्ट में ये सॉल्ट पूछे जाएंगे, और बहुत प्रॉब्लम होती है फिर, एक्स वाई वाले टाइप क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अपने को क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, कॉमन नेम, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूज, तीन और तीन छह, छह कॉलम अपने को बनाने हैं। ठीक है, इसका आप नोट कर लेंगे, कुछ इस तरीके का इसका सीक्वेंस बनेगा। अंदर आप अपने हिसाब से भी पॉइंट लिख सकते हैं, की पॉइंट आपको लिखने। क्या ये काम हो जाएगा? इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग सारे सॉल्ट पढ़ने के बाद ये काम कर सकते हो। कि सारे सॉल्ट पढ़ने के बाद आप लोग ये काम करें, ये बताओ। क्योंकि दो सॉल्ट मैंने करवा दिए हैं, तरीका आपको पता लग गया। ज्यादा ज्यादा एक और क्लास लगेगी, कल परसों की क्लास में एक तो एसिड बेस के पहले बुकलेट डिस्कस कर लेंगे पीएच तक के, एक और क्लास लगेगी, उसमें स्पीड से हम बाकी के चार सॉल्ट खत्म करेंगे। ज्यादा है नहीं, उसमें कम कम ही है। उसके बाद NaHCO3, Na2CO3 थोड़े बड़े बड़े हैं। उसके बाद पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ब्लीचिंग पाउडर है। स्पीड से हम उसको खत्म करेंगे। फिर तरीका आपको मालूम लग गया है कैसे पढ़ना है सॉल्ट को। जब ये खत्म हो जाएगा तो तब आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा एक्स वाई के, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम। तो कल अपनी क्लास लगेगी, तो सारे बुकलेट साथ में रखेंगे, और हम लोग डिस्कस करेंगे पीएच की एप्लीकेशन तक जो भी क्वेश्चन है उनको। तभी डिस्कस करूंगा जब आप पहले उसको ट्राई करके आओगे। एप्लीकेशन ऑफ पीएच तक के बुकलेट के जितने क्वेश्चन है वो हम बनाएंगे, एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 जो भी हैं सारे, बट वो तभी बनाएंगे जब आप उसको पहले खुद से करोगे। अब आप मुझे ये बता दो कि या तो आप कल करोगे या परसों करोगे, वो मुझे बता देना। ठीक है, क्योंकि मैं फिर डिस्कस करवाऊंगा एक साथ, एक ही क्लास में सारे डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, कल करना है ना, कल उसको कर लेंगे फिर, और उसको हम खत्म कर देंगे। फिलहाल ऐसा कुछ है, इसको हम अपने पास चार सॉल्ट और रहते हैं, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे।
ये स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा थ्योरी ना उतारें, क्योंकि बुक पहले से छपी हुई है, मार्केट में है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप की पॉइंट्स लिखें, आप नोट्स बनाएं, जिनको नोट्स कहते हैं। नोट्स किनको कहते हैं कि आप की पॉइंट उसके अंदर लिखें, पूरा पूरा पैराग्राफ ना लिखें, ठीक है? इससे रिवाइज करने में भी आसानी होगी और कम टाइम में आप ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे, ठीक है? तो की पॉइंट्स लिखें नोट्स के अंदर। अगर मैंने पूरा सेंटेंस लिखा भी हुआ है तो आप उसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसा है। हाँ ये कुछ हमने आज किया, NaOH, NaCl। इतनी चीज़ें सबको क्लियर हो गई हैं, ठीक है? फिर अब आप जाओ, बुकलेट तैयार करो, कल की क्लास में मिलेंगे, उसको फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई? दक्ष एक बार बता दे, कल की क्लास में करें कि ना करें डिस्कस?